बाद आपका स्वागत है। गोडावण पक्षी की चहचहाट अब राजस्थान में सुनने को मिलेगी। विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे गोडावण पक्षी की प्रजाति को बचाने के लिए राजस्थान सरकार ने जोर लगाया और उसका परिणाम सामने है। खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस पहल की तारीफ की है। पीएम ने की गोडावण संरक्षण की तारीफ, दुनिया भर के वैज्ञानिकों को दी जानकारी, गोडावण को बचाने की जोरदार मुहिम। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड बर्ड्स हैज ऑल्सो बीन एट द फोकस ऑफ अवर कंजर्वेशन एफर्ट्स एज पार्ट ऑफ द कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम। 9 eggs have been successfully hatched from the wild. This has been accomplished by Indian scientists and forest department with technical assistance from International Fund for Huwara Conservation Abu Dhabi. राजस्थान में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे गोडावण पक्षी को बचाने के लिए हुई पहल को ये बड़ा सम्मान है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की तारीफ यूं ही नहीं की, इस दिशा में राजस्थान में हाल ही में बड़ी कामयाबी मिली है। कैप्टिव ब्रीडिंग के जरिए हैचिंग सेंटर में जन्म लिए गोडावण के 9 चूजे अब बड़े हो रहे हैं। गोडावण संरक्षण प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों और संरक्षणकर्ताओं की इस कामयाबी को पीएम मोदी ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों के सामने सराहा है। अहमदाबाद में 13वीं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने दुनिया को भरोसा दिलवाया कि गोडावण को विलुप्त नहीं होने देंगे, तो वहीं प्रदेश के वन मंत्री ने कहा कि गोडावण संरक्षण को लेकर बहुत बढ़िया काम हुआ है। बकायदा बहुत बढ़िया काम किया है, मतलब 9 चूजे तैयार हुआ, टारगेट 15-16 और रखा है और करीब 15-20-25 हो जाएंगे। 25 से फिर जो आने वाले जो उनके बच्चे हैं उनको उसमें डीएनपी में छोड़ेंगे, निश्चित रूप से वापस डीएनपी गोडावण से फलेगा फूलेगा। भारत में गोडावण प्रजाति सिर्फ राजस्थान में बची है, राजस्थान में भी गोडावण की संख्या 70 तक सिमट गई। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में गोडावण विलुप्त हो चुके हैं। गोडावण को बचाने के लिए जैसलमेर में एग हैचिंग सेंटर तैयार किया गया। गहलोत सरकार की मदद से गोडावण संरक्षण की दिशा में कामयाबी मिलने लगी। प्रदेश के राज्य पक्षी को बचाने की दिशा में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं और इस दिशा में प्रदेश सरकार के पूरे सहयोग से कामयाबी भी मिलने लगी है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अपने काम को जारी रखेंगे ताकि गोडावण को न सिर्फ राजस्थान में बचाया जा सके बल्कि यहाँ पर सफल प्रजनन के बाद में देश के अन्य राज्यों को भी गोडावण से आबाद किया जा सके। कैमरा पर्सन बलबीर सिंह राठौड़ के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज 18 के लिए जयपुर से।